नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से उनकी पत्नी हसीन जहां और उनके बीच चल रहे विवाद पर एक नया मोड़ आ गया है और अब ये मोड़ हो सकता है शमी के लिए खतरनाक। खबर ये आ रही है कि मोहम्मद शमी हसीन जहां से अब कोई भी सुलह के मूड में नहीं है। पहले खबर आई थी कि 14 मई को मोहम्मद शमी को अपने गांव जाना था, सहसपुर अमरोहा, और वहां पर पंचायत के सामने, बिरादरी के सामने उन्हें अपनी पत्नी के साथ जो भी विवाद है उसे सुलझाना था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मोहम्मद शमी विवाद सुलझाने के मूड में नहीं है और वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ही आराम कर रहे हैं, अपना खाली समय, अकेले समय बिता रहे हैं। और हसीन जहां ने जिस तरह के भी आरोप लगाए हैं मोहम्मद शमी पर, उनके मुताबिक वो सब बेबुनियाद हैं और वो इस मामले में किसी को भी जवाब देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। उनके मुताबिक अब वो जो भी जवाब देंगे वो कोर्ट में देंगे, यानी कि अब साफ तौर पर मसला जो है वो कोर्ट तक आ गया है। लग भी ऐसा ही रहा था कि ये मसला कोर्ट तक ही जाएगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस का हाल ही में बयान आया था कि जो उन्होंने हसीन जहां की मेडिकल रिपोर्ट उनके पास आ गई है, मेडिकल जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है, और उन्होंने कहा कि वो उसे बहुत जल्द कोलकाता कोर्ट में पेश करेंगे, लाल बाजार कोर्ट में पेश करेंगे और उसमें कई खुलासे भी किए जाएंगे। साथ ही कोलकाता पुलिस के मुताबिक उन्होंने शमी की BMW कार की फॉरेंसिक जाँच भी करवाई है और हसीन जहां की फ़ोन की भी जांच कराई है, जिसमें से चैट्स, जो जिसे हम कहते हैं कि हसीन जहां ने कहा था कि इस तरह की चैट्स करते हैं शमी, अवैध संबंध में शामिल हैं, इस तरह का आरोप लगा, दुष्कर्म का आरोप लगा उनके भाई हसीब अहमद पर, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शमी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं दिख रहे हैं और मोहम्मद शमी अब यही कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से इस विवाद को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये विवाद अगर ख़त्म नहीं होगा तो शायद टीम इंडिया में शमी की वापसी भी अब नहीं हो पाएगी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का जो है ऐलान हो चुका है और मोहम्मद शमी की जगह सिद्धार्थ कौल को टीम में शामिल किया गया है, जिनका प्रदर्शन जो है इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 11 में काफ़ी शानदार रहा है। यानी कि मोहम्मद शमी की जो एक बची खुची उम्मीद थी कि IPL में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया जाएगा, लेकिन टीम इंडिया से भी अब वो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि प्रदर्शन पर तो साफ तौर पर असर पड़ा था। घरेलू विवाद जो है पिछले 2 महीने से चल रहा था। 7 मार्च 2018 को इल्ज़ाम लगाए थे हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर, और साफ तौर पर हसीन जहां ने ये एलिगेशन लगाए थे कि मोहम्मद शमी के अवैध संबंध हैं, उनकी पड़ोसी मुल्क की लड़की के साथ संबंध हैं, मैच फिक्सिंग में वो शामिल हैं। हालांकि मैच फिक्सिंग विवाद में BCCI ने जो है मोहम्मद शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द किया और ACU से जांच करवाई, और ACU ने जांच में पाया कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं है और उनको फिर क्लीन चिट दे दी गई और IPL खेलने की परमिशन दे दी गई। उसके बाद मोहम्मद शमी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और दिल्ली आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर उन्हें इस पोर्शन में चोट आई, और चोट के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि शमी को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अगर ये स्ट्रेस लेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। बहरहाल उसके बाद मोहम्मद शमी ने वापसी की मैदान पर, और मैदान पर सिर्फ उन्होंने 4 ही मैच खेले दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, एक इम्पॉर्टेंट गेंदबाज थे, लेकिन प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा तो वहाँ पर टीम ने उन्हें बाहर रखा। और बॉलिंग कोच का भी फिर बयान आया कि भाई मोहम्मद शमी अपने निजी मसलों की वजह से परेशान है, यानी कि साफ तौर पर टीम भी ये समझ चुकी थी कि ये जो मसला है ये सुलझने वाला इतना जल्दी नहीं है। अब जो खबरें आई वो ये आई कि भाई हसीन जहां ने भी और कई बड़े खुलासे कर दिए, आरोप पर आरोप तो लगे हैं और एक के बाद एक आरोप लगाए हैं मोहम्मद शमी पर। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी को BCCI ने क्लीन चिट देकर बहुत बड़ी गलती की, हसीन जहां ने BCCI से गुहार भी लगाई, हसीन जहां ने दिल्ली डेयरडेविल्स से भी गुहार लगाई कि जब तक ये मसला ना हल हो जाए तब तक शमी को ना खेलना दिया जाए। हालांकि दोनों ही तरफ से जो है निराशा मिली हसीन जहां को, क्योंकि मोहम्मद शमी के मैटर में BCCI ने कहा कि आपका निजी मसला है, आप इस मसले को खुद ही सुलझाएं, BCCI का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेम दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी बोला। उसके बाद हसीन जहां ने एक और पैंतरा खेला, या जो भी कहें कि सच भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई BCCI ने जो है मोहम्मद शमी को क्लीन चिट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिक्सिंग में शामिल है और इनके साथ कई क्रिकेटर्स के नाम भी हो सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट को भी बदनाम कर दिया है, सवालों के घेरे में ले आई हसीन जहां। बहरहाल उसके बाद जिस तरह से हसीन जहां ने मीडिया के सामने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मैं जब शमी के एक्सीडेंट के बाद उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, उनकी माता जी ने उनसे मुझे बात नहीं करने दी, वो सिर्फ अपनी बच्ची के साथ खेल रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि हर कोई वहाँ पर हैरान रह गया था। अब ये मसला और कहाँ तक मोड़ लेता, ये इस बात का इंतज़ार हर कोई कर रहा था। अचानक खबर ये आई कुछ दिनों पहले कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां उनके गांव सहसपुर अमरोहा पहुंची हैं, और अमरोहा पहुँच कर हसीन जहां ने अपनी और अपनी बच्ची का हक मांगा था और कहा था कि मैं यहीं रहूंगी। अच्छी बात है आप वहीं रहें, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती थी कि मोहम्मद शमी जो हैं वो IPL खेल रहे होंगे, अपनी टीम के साथ होंगे, वो घर पर तो मिलेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पर हसीन जहाँ ने जो भी अपने वकील के साथ गई और उन्होंने SP से भी दरख्वास्त की, SP ऑफिस जाकर, कि भाई मोहम्मद शमी के घर का ताला खुलवाया जाए, क्योंकि शमी के घर का ताला बंद था, उनके घर में जितने भी रिश्तेदार रहते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलते। उसके बाद मोहम्मद शमी ने भी SP ऑफिस में एक ईमेल किया, उन्होंने कहा कि मैं हसीन जहाँ के सारे खर्चे उठाऊंगा अमरोहा में जिस भी होटल में रहेंगी, लेकिन वो मेरे घर में नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कल को वो कई और इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं। ये अपनी सोच थी मोहम्मद शमी की। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मोहम्मद शमी भी मीडिया से बात करने के लिए इनकार कर रहे हैं, हसीन जहाँ मीडिया से बात करने के लिए इनकार कर रही हैं, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो फंसा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो वाकई में सामने आने वाली है और शायद बड़े पैमाने पर भी साबित आ जाए, क्योंकि अब दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हसीन जहां जब हाल ही में वापस लौटी, पहले तो आप ये कह कर गई थी कि मैं मोहम्मद शमी को माफ़ कर दूंगी, मैं अपना हक जब तक नहीं ले लूँगी मैं तब तक नहीं जाऊँगी। उसके बाद तुर्क बिरादरी बीच में आई, पंचायत बीच में आई, पंचायत का ये फैसला आया कि भाई मोहम्मद शमी भी आके बात कर लें, और पुराने डर्रे के हिसाब से, यानी कि आप एक कमरे में बैठ कर दोनों जन बात कर लीजिए और जो मसला हल हो सकता है उसे हल किया जाए। खबर ये भी आई कि पंचायत को शायद असली वजह भी पता लग गई इनके बीच विवाद की। अब उसके बाद अचानक ये खबर आई कि हसीन जहां जो हैं वो अपने घर वापस लौट गई हैं, और मोहम्मद शमी जो 14 मई को आने वाले थे कम्प्रोमाइज़ के लिए, मोहम्मद शमी वहां पर नहीं पहुंचे। यानी कि इस तरह की जो खबरें आईं इसने हर किसी को हैरान कर दिया। और उसके बाद एक बयान और आया कि हम मीडिया को जो है ये बयान नहीं देंगे, या फिर मीडिया को हम कुछ नहीं बताएंगे। आप मीडिया को मत बताइए, ये आपका निजी मसला है। आपने इंडियन क्रिकेट को बदनाम किया है। हसीन जहां की बात हो रही है यहाँ पर। हसीन जहां ने कहा कि शमी के साथ कई क्रिकेटर्स के नाम हो सकते हैं, इस फिक्सिंग विवाद में इसकी दोबारा जांच कराई जानी चाहिए। अब क्रिकेटर्स कौन क्रिकेटर्स हैं उनका आपने नाम नहीं लिया। आपने दादा को इस मामले में घसीटा कि दादा ने बात की, कहा था कि मैं शमी से बात करूँगा। आपने कई और क्रिकेटर्स का नाम लिया। हर क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद शमी जो है इस तरह के इंसान नहीं है, वो बहुत जेन्युइन इंसान है और वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हसीन जहां के बारे में लगभग सभी क्रिकेटर्स को खबर थी, और इस सब मसले को हल करने के लिए अब कई सारे कदम भी उठाने पड़ते बाकी मोहम्मद शमी को। लेकिन अब जो खबर यही आ रही है कि मोहम्मद शमी जो हैं एकांत रहना चाहते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं, और उसके बाद वो कोई डिसीज़न लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपको डिसीज़न अपने हिसाब से भी लेना चाहिए। लेकिन अब जो समय आ गया है वो ये है कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने जब बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद शमी के खिलाफ जो भी सबूत हो गया, जो भी हमें सबूत मिले हैं अभी तक, उसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। हसीन जहां की मेडिकल जांच कराई गई, जो दुष्कर्म वाला मैटर था, हसीब अहमद को लेकर जो हसीन जहां ने इल्ज़ाम लगाया, उसका भी मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर जवाब दिया मोहम्मद शमी ने कि भाई मिलाद का कार्यक्रम था, वो क्या करने गई, अगर उनका दुष्कर्म हुआ पुलिस को क्यों नहीं बताया, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। इस तरह के अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने कई करारे सवाल पूछे, और उसके बाद जब मीडिया ने हसीन जहां से इस बात के जवाब मांगे तो हसीन जहां मीडिया वालों से पर भड़क गई और उनके साथ बदसलूकी करने लगी। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो आपके ऊपर खुद ही शक पैदा हो जाता है, और शायद मोहम्मद शमी पर भी अब शक इसलिए पैदा हो रहा है, आपको जब ज़रूरत थी तो आप मीडिया के पास आए, आपको अपने बयान देने थे तो आप चैनल दर चैनल घूमे और वहाँ जा जाकर बयान दिया। सेम हसीन जहां ने भी किया। अब जब आपका मसला इस तरह से फैल चुका है, यहाँ पर शमी और हसीन जहां के निजी मसले से ज़्यादा किसी को लेना देना नहीं है, शायद उस बच्ची के बारे में सोचा जाना चाहिए, इसलिए मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि मीडिया की तरफ से भी यही था कि भाई मीडिया ट्रायल ना हो इस केस में।
लेकिन अब जब आपने इंडियन क्रिकेट को बदनाम किया, कई और सितारों को शक के घेरे में लाया है, तो भाई सवाल तो आप पे भी उठेंगे और मीडिया का काम है सवाल पूछना, और मीडिया जो है आप बेहतर तरीके से जानती है सवाल करना। लेकिन कई ऐसे जवाब हैं जो शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां को भी देने हैं, क्योंकि अगर आप अपने जवाब से ये कहेंगे कि हमें कोई बयान नहीं देना है, हम कोई जवाब नहीं देंगे, तो इस तरह से आंसर कभी नहीं किया जाता। अगर आपका मसला है मीडिया के सामने, आपने एक्सेप्ट किया है, तो जो मीडिया आपको आगे लेकर गई है, आपके मसले में आपको हक दिलवाने में हेल्प किए, दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो शायद वो मीडिया आपको कहीं और भी हेल्प कर सके। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। शमी और हसीन जहां के तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।